Good afternoon. Trying to reconnect. Good afternoon. Hello everyone. Good afternoon. Am I audible? Good afternoon everyone. Am I audible? Do you have any viewers? Not yet. Hello. Please send link to join. So I think so. Maybe you need to check. Am I audible? Hello everyone. Any problem? I don't know. It seems it's live. It shows we are live, na? Yeah. So you can just wait 1 or 2 minutes and then we'll start the session. Oh, I think so. People, I saw a like, so okay. People may have joined. So I think so. You can just start. Okay, okay. So am I audible? Can someone just give a thumbs up if I'm audible? Yeah, I can see one audience. So I think so. We are live. Okay, we are live. Okay, we are ready to go now. Okay. Yes. Okay. Good afternoon, everyone. From Sharvari Gokhale. I am from Pune basically. I've been working here for almost 7 years now with my own setup in the name of Shalli's. I specialize with confectionery goodies. So today what we are going to show you is something relevant to this festive season. सबसे पहले मैं आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी और क्या हम कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल इको फ्रेंडली गणपति करते हैं विच इज वेरी नाइस. एट द सेम टाइम जो फ्रूट्स हम अर्पण करते हैं गणपति को, दूध जो हम अर्पण करते हैं इन द नेम ऑफ प्रसाद, सो उसका हम लोग रीयूज करके एक्चुअली बच्चों को भी खिला सकते हैं. इतना टेस्टी डेजर्ट है ये. सो आज हम लोग क्या बनाने वाले हैं कि बिस्किट ट्राइफल, बिस्किट्स यूज करके हम लोग फ्रेश फ्रूट ट्राइफल बनाने वाले हैं which will be quite a novelty for kids in this festive season to come. उसके लिए what I'm going to use is Amul butter cookies. Guys, these are really yum. Okay, these are made in pure butter, and these tastes amazing. Like I being a pastry chef, I don't indulge more with sweet. I don't have a sweet tooth at all, but I can eat them. I just love them. So हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो biscuits है butter cookies, इसको हम लोग बेस में लेयर करने वाले हैं और कस्टर्ड बनाने वाले हैं. सबसे पहले हम लोग कस्टर्ड बना लेंगे. उसके लिए मैंने लिया है 250 ml मिल्क. ऑलराइट, देन आई हैव टेकन कस्टर्ड पाउडर. कस्टर्ड पाउडर आपको बताना चाहूंगी बिकॉज हम लोग उसको एगलेस करने वाले हैं. तो कस्टर्ड पाउडर मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच, जिसमें मैंने 2 बड़े चम्मच दूध ऑलरेडी मिक्स करके रख दिया है ताकि उसका ये जो टेक्सचर है ये आप देख सकते हो, थोड़ा स्टिकी बन जाता है. तो दूध जब हम उसमें घोलेंगे तो आसानी से ये मिल जाएगा उसमें. फिर हम लोग उसमें डालने वाले हैं चीनी फॉर श्योर. 3 बड़े चम्मच चीनी लिए मैंने, अप्रोक्सीमेटली 30 ग्राम्स। ग्रेन शुगर ले सकते हो क्योंकि हम लोग कस्टर्ड तो कुक करने वाले हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और बटर में अनदर आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ अमूल बटर। ओके, तो मैंने एक छोटा चम्मच अमूल बटर लिया है ताकि वो टेक्सचर जो है वो सॉफ्ट रहे और ग्लॉसी रहे एट द सेम टाइम, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर कुक होने के बाद थोड़ा लम्स आ जाता है तो वो बटर उसको ईज आउट कर देगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं कि दूध और चीनी हम लोग बॉइल करने वाले हैं। ये मैंने पाव लीटर दूध ले लिया है। इंडक्शन पे कितने देर? इंडक्शन पे बॉईल हो जाएगा ना, तब तक आपको दूध ये करना है, मिक्स करते रहना है ताकि वो जल ना जाए, क्योंकि जब आप दूध बॉईल करोगे तो ही वो कस्टर्ड थिक फॉर्म होगा, नहीं तो वो कस्टर्ड थोड़ा लूज हो जाएगा। तो मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है इंडक्शन। अगर आप गैस पे कर रहे हो तो मीडियम रेंज पे ही रख सकते हो। बस एक ध्यान रखना है, क्योंकि हमने इसमें चीनी डाली है, वो दूध को हम लोग को कॉन्स्टेंटली स्टर करना पड़ेगा, नहीं तो वो जल जाएगा। ये ध्यान में रखना, जब हम लोग कस्टर्ड पाउडर मिक्स कर रहे हैं तो वो दूध के साथ ऑलरेडी मिक्स होना चाहिए, नहीं तो वो ऐसे ही अगर आप डाल दोगे तो वो उसमें लम्प्स और बनाएगा और फिर वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपको संभालना। इसके लिए दूध थोड़ा उसमें मिक्स होना ही चाहिए पहले से। मात्रा क्या होगी कस्टर्ड वर्सेस कस्टर्ड पाउडर वर्सेस दूध? सो कस्टर्ड पाउडर मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है, अप्रोक्सीमेटली 10-12 ग्राम्स, और दूध मैंने 2 बड़े चम्मच लिए है, अप्रोक्सीमेटली 30 ml दूध लिया है। ये फ्रूट कस्टर्ड बहुत इजी है। अगर आपके घर पे शाम को गेस्ट आ रहे हैं और आपको 2-3 घंटे पहले भी पता चल गया, जस्ट आपको आते आते कोई भी फ्रूट्स उठाने हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। मेरे पास घर पे ये फ्रूट्स पड़े हुए थे, एक फ्रेश फ्रूट केक का कल ऑर्डर था, तो फ्रेश फ्रूट्स जो बचे हुए थे वही मैंने यूज किया। मैंने कुछ बाहर से खरीदे नहीं उसके लिए। आप बनानाज यूज कर सकते हो, एप्पल्स यूज कर सकते हो, आजकल कस्टर्ड एप्पल बहुत अच्छा मिल रहा है, कस्टर्ड एप्पल यूज कर सकते हो। जो फ्रूट्स आपके बच्चों को पसंद है वो आप उसमें डाल सकते हो। पाइनएप्पल वगैरह अगर आप डाल रहे हो, पाइनएप्पल डाल रहे हो, कीवी डाल रहे हो, तो पाइनएप्पल को कुक करके लेना। कीवी वैसे भी जा सकता है, लेकिन पाइनएप्पल को कुक करके लेना, फ्रेश पाइनएप्पल को। कैंड पाइनएप्पल अगर आप यूज कर रहे हो तो नो प्रॉब्लम। कोई रीजन कुक करने के लिए पाइनएप्पल? जी हाँ, बिकॉज वो फ्रेश पाइनएप्पल जो होता है उसमें तार आ जाती है बाद में, तो वो दूध को शायद फाड़ दे सकता है बाद में, क्योंकि ये कस्टर्ड इज विथ फ्रेश मिल्क, इसके लिए वो पाइनएप्पल के साथ रिएक्ट करता है, तो वो ऑटोमेटिकली इनडाइजेशन क्रिएट करेगा पेट में। तो ये शुगर तो उसमें मेल्ट हो गई है। अभी हम लोग इसे थोड़ा कस्टर्ड का जो मिक्सचर है वो क्या हो जाता है, नीचे सेटल हो जाता है। कितनी बारी आप इसे मिक्स करोगे ना वो सेटल हो ही जाता है, क्योंकि ये कॉर्नफ्लावर का बेस है। ओके, तो उसको घोलना है अच्छे से। दूध उबलने आ रहा है, थोड़ा थोड़ा मुझे दिख रहा है साइड से उसका। ये दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा एयर बबल्स आ रहा है। देखिए, मैं कॉन्स्टेंटली इसे मिक्स कर रही हूँ ताकि वो सेटल ना हो। अब ये दूध उबल गया है, देखिए यहाँ पे साइड से निकल रहा है। ओके, तो ये दूध मैंने उसको वापस टेम्परेचर थोड़ा कम करके, देखिए मैं इसे पोर कर रही हूँ, ओवरऑल पोर करना है। ताकि ये कस्टर्ड अच्छे से बने। एक ही तरफ अगर आप डालोगे तो शायद वो लम्स ज्यादा बनेंगे। धीरे धीरे ये हमें कुक करना है। अगर आपके पास स्पैचुला नहीं है तो आप कोई भी लकड़ी का चम्मच भी यूज कर सकते हो। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपको स्पैचुला ही यूज करना है। स्टील का चम्मच अवॉइड करिए, बिकॉज स्टील के चम्मच से हीट ज्यादा फॉर्म हो जाती है, क्योंकि वो गुड कंडक्टर है हीट का, तो वो ऑटोमेटिकली कस्टर्ड को ओवर कुक कर देगा। हमें ओवर कुक कस्टर्ड नहीं चाहिए। तो धीरे धीरे ये गाढ़ा बन जाएगा। आप देखिए इसमें ये थोड़ा थोड़ा करके गाढ़ा बन रहा है। मैं थोड़ा हीट उसका बढ़ा दूंगी अभी। आप लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे ही कुक करिएगा जब अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो। अगर आपको जेली एंड कस्टर्ड बनाना है तो जो मात्रा हमने कस्टर्ड पाउडर की ली है उसके डबल लेना है, मतलब हमें 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर लेना है। लेकिन कस्टर्ड होता है वो एकदम थिक हो जाएगा फिर, तो इट विल फॉर्म लाइक अ केक। ये कस्टर्ड जो है ये हमारा लूज कस्टर्ड बनेगा, मतलब थोड़ा ऐसे स्मूथ टेक्सचर लगेगा उसका। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? ये मतलब श्रीखंड की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जी, ऑलमोस्ट श्रीखंड की कंसिस्टेंसी। अगर कोई व्यूअर्स लेट ज्वाइन हो गए रहेंगे तो आप वापस एक बार टिल ये बन रहा है तब तक आप रेसिपी एक बार वापस से रिपीट करोगे? हाँ जरूर। तो आज हम लोग क्या बनाने वाले हैं? हम लोग आज बिस्किट ट्राइफल बनाने वाले हैं विद फ्रेश फ्रूट्स। सो ट्राइफल बेसिकली स्पंज, कस्टर्ड और फ्रूट से बनता है। यहाँ पे हम लोग ने वेरिएशन लिया है बिस्किट्स का, अमूल बटर कुकीज विच आर वेरी यम, ओके, मेड इन प्योर अमूल बटर, ओके। सो आप डेफिनेटली उसको बच्चों को भी खिला सकते हो लिमिटेड मात्रा में। ऑलराइट, कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 250 ml मिल्क लिया है, 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर, मतलब एक बड़ा चम्मच, अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 ग्राम्स, और फिर मैंने उसमें 2 बड़े चम्मच दूध ऑलरेडी मिक्स किया था। ये बचा हुआ जो बोल है वो दिखाएगा आपको। देन उसमें मैंने लिया था 3 बड़े चम्मच चीनी, विच इज अप्रोक्सीमेटली 25 ग्राम शुगर, एंड 1 टीस्पून ऑफ अमूल बटर, ताकि वो कस्टर्ड जब बनेगा तो उसका टेक्सचर सॉफ्ट रहेगा। अब मैं ये कस्टर्ड का कुकिंग आपको दिखाती हूँ। लो फ्लेम पे ही हमें उसे कुक करना है ताकि वो जले नहीं। धीरे धीरे ये गाढ़ा बन रहा है, हमें लो फ्लेम पे ही कुक करना है। इंडक्शन पे भी मैंने मीडियम फ्लेम पे ही रखा है उसको। और फिर धीरे धीरे उसे मैंने, ये जो कस्टर्ड है ये थोड़ा मीडियम थिक बनेगा, ज्यादा थिक नहीं बनेगा। लाइक माय पार्टनर राइटली सेड, इट शुड बी लाइक अ श्रीखंड टेक्सचर, ओके। अगर आपको जेली एंड कस्टर्ड बनाना है तो आपको डबल क्वांटिटी कस्टर्ड पाउडर लेना पड़ेगा। अब देखिए ये कस्टर्ड धीरे धीरे थिक हो रहा है। अगर आप देखोगे तो ये देखिए यहाँ पे अच्छा गाढ़ा बन गया ये। ओके, सो ये टेक्सचर होना चाहिए कस्टर्ड का। ज्यादा ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा बन जाएगा। इसको मुझे छानना पड़ेगा एक बार ताकि उसमें जो लम्प्स है वो निकल जाएंगे। और फिर हमें इसमें बटर डाल देना है ताकि वो टेक्सचर जो है वो सॉफ्ट रहे। जब कस्टर्ड गर्म होता है तभी बटर डालना है। हाँ, ठंडा होने के बाद वो मेल्ट नहीं होगा ना उसमें। अब मैं इसको जरा फ्रिज में रख के आती हूँ 2 मिनट। अभी हम लोग फ्रेश फ्रूट्स कट कर लेंगे। फ्रेश फ्रूट्स कट कर लेंगे। जो भी फ्रूट्स आपको पसंद है, आपके घर पे है, वो हम यूज कर सकते हैं। मैंने ऑरेंजेस लिया है। कीवी फ्रूट लिया है और प्लम लिया हुआ है। ये कीवी बहुत पक गया है, थोड़ा कच्चा होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा कस्टर्ड ट्रैफल। ये थोड़ा ज्यादा पक गया है बट नॉट अ प्रॉब्लम। ये जो व्हाइट आपको दिख रहा है बीच में, उसे निकाल देना, नहीं तो ये थोड़ा कभी कभी ना एलर्जिक रिएक्शन होता है इससे। जैसे पाइनएप्पल का करते हैं वैसे। फ्रूट्स को मैं रफली चॉप कर दूंगी। और ये 2 साइड्स मैं थोड़ा इवनली कट करूंगी ताकि वो गार्निश के लिए बने। प्लम को भी वैसे मैं हाफ प्लम में रफली चॉप करके हाफ प्लम में गार्निश के लिए रख दूंगी। ये जानबूझ के सब फ्रूट्स एक साथ रख रही हूँ ताकि उसका जो फ्लेवर है वो है अच्छे से मिक्स हो जाए एक दूसरे में। ऑरेंज वेज कट कर रही हूँ। और मैं ऑरेंज अंदर नहीं डालूंगी, मुझे ऑरेंज ऊपर से ही खाने में पसंद है। अगर आपको पसंद नहीं है ऑरेंज तो डेफिनेटली आप उसे अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ऑरेंज स्लाइस ऊपर बहुत अच्छा लगता है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम असेंबली चालू करते हैं। ये मैंने ग्लासेस लिए हुए हैं, आप बोल में भी उसे डाल सकते हो। डीप बोल वगैरह होगा घर पे, एक साथ बना के ओके। अब इसमें मैं फ्रूट्स डालूंगी। दोनों फ्रूट्स को मुझे मिक्स करना है और लेयर करना है। कस्टर्ड लेके आती हूँ। ये देखिए, ये सॉफ्ट टेक्सचर क्योंकि हमने इसमें बटर एंड में डाला था, सो जस्ट पोर दिस ग्रेशियसली ऑन इट। ये हो गया आपका कस्टर्ड विथ बिस्किट ट्राइफल। एज आई सेड, चॉकलेट कुकीज अगर अच्छी लगती हो तो वो भी आप यूज कर सकते हो फ्रेश फ्रूट्स के साथ। और फिर ये जो मैंने फ्रूट्स कट की हुई है गार्निश के लिए, वो मैं डाल दूंगी इसमें। जितने फ्रूट्स पसंद है उतना डाल सकते हो आप। दिस एंडलेस वैरायटी इन दिस। बड़े बोल में सेट करना हो तो आप कर सकते हो, इंडिविजुअली अगर आपको सर्व करना है तो आप कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम टुडे एंड होप यू ऑल एंजॉयड द रेसिपी। लाइक ऑलवेज डू कमेंट, डू आस्क क्वेश्चंस इफ यू हैव। यू कैन फॉलो माय इंस्टाग्राम हैंडल ऑल्सो @chefsharvari.gokhale for if you have any questions I can also answer them personally. Thank you very much and namaste. Yes.